हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्योंकि शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ खाना, शाम का खाना, जैसे मटर और मशरूम। मैंने कहा था मटर मशरूम बनाऊंगी शाम में। सुबह जानवी ने देखा था तो बड़ी खुश हुई थी मशरूम देखकर, फिर बोली मम्मी शाम में बनाना। तो मैं शाम में बनाने जा रही हूँ मटर और मशरूम, और साथ में मैं डाल रही हूँ एग, जो मसाला वाली होती है मटर मशरूम और एग वाली सब्जी, एग वाली, अंडे वाली, तो वो मैं बना रही हूँ। यहाँ पे तैयारी भी मैंने कर ली है। तो वैसे नॉर्मल मटर मशरूम की तो बनती रहती, लेकिन आज अंडे डाल के मैं पहली बार बना रही हूँ, तो रेसिपी आप सबके साथ ही शेयर करने वाली हूँ। और तो चलिए बनाते हैं फटाफट। और आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था सुबह से, तो मैंने सोचा चलो शाम का मैं डिनर शेयर करती हूँ। कोई स्पेशल नहीं है, बस रोज़ की तरह जैसे बनाती हूँ तो वैसे ही बना रही थी। मैंने पैन वैन रख दिया है, तैयारी भी कर ली थी, प्याज काट लिया है यहाँ पे और एग रखे हैं। तो ये 5 अंडे थे, ये कल आए थे बनने को, फिर ये कल भी नहीं बने थे, तो मैंने सोचा चलो इनको मैं मशरूम के साथ बनाऊंगी। और थोड़ी सी मटर है, यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रखा है, तो बस बनाती हूँ फटाफट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एग फ्राई करने जा रही हूँ, लेकिन उनको फ्राई करने से पहले मैं इस तरीके से उनमें चीरा लगा रही हूँ नाइफ से, बहुत ही हल्का हल्का सा, गहरा नहीं, बहुत ही हल्का हल्का सा मैं चीरा लगा रही हूँ। तो सारे अंडों में चीरा लगाने के बाद मैंने उनके ऊपर थोड़े से मसाले डाले हैं, जिनमें थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने नमक लिया है। तो इन सारे मसालों को डालकर मैं अच्छे से अंडों को मैरिनेट कर रही हूँ, उन मसालों में अंडों को कोट करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले जो डाले हैं वो सारे मैंने अच्छे से अंडों के ऊपर मिक्स कर लिए हैं इस तरीके से। तो अब इनको फ्राई करना है, और यहाँ पे मैंने ऑयल भी रख दिया है गैस पे, जो कि गर्म हो चुका है। तो उसमें मैंने अंडे डाल दिए हैं, और अंडे फ्राई करते टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जाती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फटते हैं, बिल्कुल जैसे बम ब्लास्ट की तरह नहीं, कभी कभी हो जाता है, तो उस बात का ध्यान रखिए। नुकसान भी हो जाता है, चोट भी लग सकती है, क्योंकि गरम गरम जब एग फूटते हैं तो फिर उनका ऑयल भी छटकता है, जो कि खाना बनाने वाले के ऊपर भी गिर पड़ता है, कभी कभार होता है, मेरे साथ तो हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने अंडे भी फ्राई कर लिए हैं, और उसके बाद इसी ऑयल में मैंने डाल दिया है मशरूम को। तो मशरूम को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस उसको 1 से 2 मिनट ही सौते करना है, ताकि मशरूम का जो क्रंचीपन है वो ना जाए, मशरूम थोड़े से क्रंची ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है 1 से 2 मिनट हो चुके हैं मशरूम को भूनते हुए, तो मैंने मशरूम को अलग बर्तन में निकाल लिया है, और इसी कढ़ाई में अब बाकी की सब्ज़ी बनेगी। तो उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़े से साबुत खड़े मसाले हैं, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेज़पत्ते। आपके पास अगर और भी मसाले हैं जैसे कि दालचीनी, बड़ी इलायची, वो सब आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जितने मसाले थे मैंने उतने ही ऐड किए हैं। तो यहाँ पे मसाले पक चुके थे, उसके बाद मैंने उसमें डाल दिए हरी मिर्च और बारीक कटी हुई 2 बड़ी प्याज, और इनको हमें धीमी आँच पर भूनना है एकदम ब्राउन होने तक, अच्छे से धीमी धीमी आँच पे, जब तक हमारा प्याज का जो कलर है वो डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। तो जब तक इधर प्याज भून रही है, तब तक मैंने इधर सूखे मसाले ले लिए हैं थोड़े से, जिनका मुझे पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर ये सूखे मसाले हैं, जिनमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला और नमक। तो बस इतने ही मसाले मैंने लिए हैं, और ये इधर जो प्याज है ये अच्छे से भुन चुकी है, तो जो मैंने पेस्ट बना के रखा है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको भी कम से कम 1 से 2 मिनट पकाना है, जब तक पेस्ट अच्छे से पक नहीं जाता मसालों का और तेल नहीं छोड़ देता, तब तक हमें जो है ना इसको पकाना है। तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। इस तरीके से अगर हम जो है मसाले पकाते हैं, तो मसाले हमारे पकते हैं, ढक के जब हम पकाते हैं तो उनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, उसी की खुशबू वो जो है ना मसालों में ही रहती है, और अच्छे से जो तेल है वो भी ऊपर आ जाता है। मैं इस तरीके से ज़्यादा बनाती हूँ, ढक देती हूँ, ताकि अच्छे से मसाले पक जाएँ और तेल भी धीरे धीरे ऊपर आ जाए। तो आप देख रहे होंगे अच्छे से मसाले पक चुके हैं और तेल भी जो है ना ऊपर आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं टमाटर का पेस्ट, जो कि मैंने 3 टमाटर लिए थे और इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो इस पेस्ट को डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और इसी मसालों के साथ मैं ढककर छोड़ दूंगी इसको भी पकने के लिए करीब 1 से 2 मिनट तक, ताकि जो ये टमाटर है ये भी अच्छे से कुक हो जाए, इसका जो कच्चापन है, इसका जो टेस्ट है टमाटर का, वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालना था, जो कि मैं भूल गई थी, फिर मैंने बाद में ऐड किया है। तो जब टमाटर पक गए थे, उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया,
लिया है और इसको भी थोड़ा सा मैं पकाऊंगी एक से दो मिनट तक। कोई भी सब्जी हो, चाहे वो मटर मशरूम की हो, चाहे वो एग करी हो, चाहे वो नॉन वेज हो, चाहे वो वेज हो, कोई भी सब्जी हो जब हम इस तरीके की बनाते हैं मसाले वाली, तो बस इन सब में जो सारा खेल होता है वो मसालों के भुनने का, पकने का एक टाइमिंग होती है। तो हमें सारी चीज़ें अगर हम उस टाइम पर ऐड करते हैं तो हमारी सब्ज़ी वाकई में बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने मटर ऐड कर दी थी क्योंकि एक तो बॉयल है और मशरूम भी मैंने सौते करके रखे हैं, तो बस मुझे मटर को पहले हल्का सा पकाना है और उसके बाद मैं इसमें एग और मशरूम ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मटर डाल के मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है, उसके बाद मैंने पानी डाल दिया है ग्रेवी के हिसाब से। तो उसको मैंने ढक दिया था ताकि बॉयल आ जाए पानी में, और अभी यहाँ पर बॉयल हो चुका है पानी अच्छे से। तो इसमें मैं यहाँ पर ये जो एग मैंने फ्राई करके रखे हैं ये डाल दिए हैं और साथ के साथ में मशरूम भी डाल दूंगी। और ग्रेवी जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा थिक पसंद होती है, किसी को पतली ग्रेवी पसंद होती है, कोई रोटी के साथ, कोई राइस के साथ खाना पसंद करता है, तो उसी हिसाब से आप ग्रेवी भी रख सकते हैं। लेकिन ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं अच्छी लगती है, कोशिश करें कि थोड़ी सी थिक हो, थोड़ी सी गाढ़ी हो। और सर्दियों में सब्ज़ी रखने पर थोड़ी देर बाद वो ठंडी होती है तो ऐसे भी थोड़ी सी वो थिक हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने एग और मशरूम डालकर भी ढक्कन लगा दिया है और इसको मैं बस 2 से 3 मिनट पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पे पानी में जो ग्रेवी में बॉयल आ चुका था, और फिर मैंने अभी यहाँ पे गैस भी बंद कर दिया ताकि ये जो सब्ज़ी है ये रेडी हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया है और ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट बनी थी और देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही है, डिलीशियस सा लुक है। तो आप लोग भी बनाइए, साथ के साथ कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।